Assalamualaikum आईकुम मईटी फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन जर्नी तो इस वीडियो में मैं आपको मर गाउन का क्लियर कैलकुलेशन जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है चित्रांजलि भारती का बेस्ड ऑन माई प्रीवियस वीडियो जो मैंने फाइव पैनल मर गाउन अपने बेटी के लिए बनाया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको क्लियर एक्सप्लेन करे और मैं यहाँ पर पेपर ड्राफ्टिंग विथ क्लियर एक्सप्लेशन दिखा रही हूँ वो भी एडल्ट साइज़ में अगर आपको किड साइज़ में ड्रेस बनानी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और इस वीडियो का मजा लें तो चलिए हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल हाइट लेना है एडल्ट साइज़ वाला तो 52 इंच मैं ले रही हूँ आप 53, 54 जो भी हाइट है आप कंसिडर कर सकते हैं तो टोटल हाइट हम फिफ्टी टू लेंगे और हाइट ऑफ द बॉडीज़ लेंगे क्योंकि बॉडीज़ यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो हाइट ऑफ द बॉडीज़ जो है फिफ्टीन इंच फिर हाइट ऑफ द स्कर्ट करने के लिए आपको टोटल हाइट से 15 इंच माइनस करना होगा 52 माइनस 15 इंच 37 इंच बनता है तो 2 इंच तो टोटल 39 इंच होता है तो हाइट ऑफ द स्कर्ट 39 इंच है अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चलिए पहले इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं आइकन को क्लिक करके सेट फॉर ऑल कर लेते हैं तो चलिए कंटीनशन करते हैं अब मैं स्कर्ट का पैटर्न आपको ड्रा करके दिखाऊंगी यहाँ पे फ्रंट जो होता है इसके थ्री पैनल्स होते हैं और बैक के ओनली टू पैनल्स लेकिन बॉर्डर में आपको ट्रा पैनल इंसर्ट करना होगा गाइज यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक जो थिक होता है थिन वाला स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं थिक थी, वाला स्ट्रेचेबल फैब्रिक हम इस्तेमाल करेंगे ममेड गाउन बनाने के लिए तो सबसे पहले मेजरमेंट जो लेंगे हम वेस्ट सरकमफ्रेंस वो भी फ़िट वाला तो यहाँ पे 28 इंचेस फिटेड वाला मेजरमेंट है वेस्ट का और 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो इस तरह हम फिटेड लेते हैं तो 2 इंच लूजिंग लेना है आप ज़्यादा भी कंसिडर कर सकते हैं सिंस इनसे स्ट्रेचबल फैब्रिक होगा तो आप टू इंचज इनफ होता है तो थर्टी इंच आपका वेस्ट का सरकमफ्रेंस है नेक्स्ट हिप सरकमफ्रेंस फिटेड यहाँ पे हम बिलो टेन इंचेस वेस्ट से लेंगे हिप सरकमफ्रेंस आप नाइन इंचेस भी कंसिडर कर सकते हैं तो हिप का सरकमफ्रेंस फिटेड थर्टी फाइव इंच प्लस टू इंच लूजिंग तो टोटल थर्टी सेवन इंच हिप सरकमफ्रेंस गाइस नेक्स्ट मेजरमेंट होता है थाई का मेजरमेंट हिप से थाई तक फिटेड ही आता है उसके बाद फ्लेयर लेते हैं तो यहाँ पे हम नाइन इंचेस या टेन इंचेस बिलो लेंगे हिप से लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट कंसिडर नहीं करूँगी अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं लेकिन जब मैं ड्राफ्टिंग बताऊँगी तो उसी में कैसे लेते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी तो चलिए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे हिप सरकमफ्रेंस वेस्ट सरकमफ्रेंस हम लोगों ने लिया है तो हमको अभी फ़्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है टर्टी इंच है अगर हम फ्रंट लेंगे तो उसको डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा अगर आपको फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट में सेपरेट करना है तो तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस को आप इसको डिवाइड बाई टू दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट सेपरेट मिल जाएगा तो इन वेस्ट मेजरमेंट्स को लेके आप कितने पैनल्स क्रिएट करते हैं उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं तो चलिए जी सबसे पहले हम वेस्ट सरकमफ्रेंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो वेस्ट ब्रेथ जिसे हमें फ्रंट वेस्ट ब्रेथ और हिप uh, ब्रेथ मिलेंगे तो यहाँ पे थर्टी इंचज डिवाइडेड बाई टू फिफ्टीन इंचज़ और थर्टी सेवन इंचज़ डिवाइडेड बाई टू एटीन पॉइंट फाइव तो होल नंबर हम नाइनटीन इंच लेंगे तो ये हमारा फ्रंट और बैक वेस्ट सेपरेट हो गया है तो फ्रंट वेस्ट फिफ्टीन इंच और बैक वेस्ट फिफ्टीन इंच फ्रंट हिप नाइन्टीन इंच और बैक हिप नाइन्टीन इंच तो इस तरह से लेंगे नेक्स्ट हम फ्रंट के लिए थ्री पैनल्स मतलब कि इस ब्रेथ को थ्री डिवाइडेड बाय करेंगे और बैक के लिए टू पैनल्स मतलब डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो यहां पे फॉर फ्रंट थ्री पैनल्स तो ब्रेथ डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेथ मिलेगा उसको बीवन मैं कंसिडर कर रही हूँ तो फिफ्टीन इंच डिवाइड बाई टू करेंगे तो सॉरी डिवाइड बाई थ्री करेंगे तो फाइव इंच मिलेगा तो ये फाइव इंच जो है सिंगल पैनल का ब्रेथ होगा नेक्स्ट हिप ब्रेथ बी वन नाइनटीन इंच डिवाइड बाई टू जो कि सिक्स पॉइंट थ्री इंच तो ये हिप के लिए सिंगल पैनल का ब्रॉडनेस है तो सिंगल पैनल का वेज ब्रेथ फाइव इंच होगा और हिप ब्रेथ सिक्स पॉइंट थ्री इंच होगा तो हम आप थ्री पैनल्स में से सिंगल पैनल हम क्रिएट करेंगे तो इस तरह से बाकी के दो पैनल्स भी क्रिएट करेंगे अब हम सिंगल पैनल कटिंग करने के लिए क्या करना है जैसे कि हर चीज़ हम फोल्ड्स पे लेते हैं फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पे एक पैनल क्रिएट करना है तो एक इस तरह से रहेंगे जैसे कि कमीज़ कट करने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके लेते हैं और इस तरह से मेजरमेंट तो जो भी हमें हम चेस्ट ब्रेथ वेस्ट ब्रेथ और हिप ब्रेथ आता है उसको हम डिवाइड बाई टू कर लेते हैं क्योंकि पूरा ब्रेथ जो है हम आधे हिस्से में कन्वर्ट करके फोल्ड्स पे लेते हैं तो इसी तरह जो भी ब्रेथ हमें मिला है हिप ब्रेथ और वेस्ट ब्रेथ उसको डिवाइड बाई टू करके इस तरह फोल्ड्स पे आपको मार्किंग देनी है तो यहाँ पे जो वेस्ट ब्रेथ बी वन है उसको भी डिवाइडेड बाई टू करना है और हिप ब्रेथ बी वन को भी डिवाइडेड बाई टू करना है तो यहाँ पे फाइव डिवाइडेड बाई टू और सिक्स पॉइंट थ्री डिवाइड बाई टू करेंगे तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न हो गाइस अगर आप ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए जैसे ही मैं मेरा अपना नया वीडियो अपलोड करूँ और अगर आप मेरा व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो नाहस वर्ल्ड जो कि मेरा और एक चैनल है जिसका लिंक मैं ऊपर दूंगी आप ज़रूर इसे क्लिक करें और मेरे व्लॉग्स को देखें जिसमें मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैंने मिक्सी जो ग्राइंडर जो मैंने ख़रीदा है और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करूँगी तो गाइस यहाँ पे बैक के लिए हमारा टू पैनल्स होगा तो आप देख सकते हो कमीज जो मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है तो जब हम कटिंग करते हैं तो इस तरह फोल्ड पे लेते हैं इसका मतलब जो ब्रेथ होगा हमारा डिवाइड बाई टू करते हैं तो यहाँ पर भी बैक साइड में टू पैनल्स होंगे तो ब्रेथ हमारा वेस्ट ब्रेथ फिफ्टीन इंच है और ही ब्रेथ नाइनटीन इंच है इसको डिवाइड बाई टू करना है जिससे हमारे टू पैनल्स मिलेंगे तो यहाँ पर वेस्ट ब्रेथ डिवाइड बाई टू करेंगे जिसको हम बी वन कंसिडर करेंगे तो हमें फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू सेवन पॉइंट फाइव इंच ब्रेथ मिलेगा और हिप ब्रेथ बी वन जो कि नाइन पॉइंट थ्री इंच मिलेगा अब हम फैब्रिक को कट करना है तो फैब्रिक को फोल्ड करके इस मेजरमेंट से कट करेंगे लेकिन यहाँ पे बैक स्कर्ट जो है हम थ्री टू फोर इंच ज़्यादा लेंगे अगर आपको ज़्यादा लेना है तो सिक्स इंच भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से फ्लोर लेंथ इसका मतलब फ्लोर लेंथ से भी ज़्यादा प्रिंसेस की तरह आपका गाउन दिखेगा तो इस तरह से आप थ्री टू फोर इंचेस या फाइव इंचेस ज़्यादा रख सकते हैं बैक स्कर्ट के लिए तो यहाँ पे हमारा स्कर्ट हाइट है टर्टी नाइन इंच तो प्लस थ्री इंच करेंगे तो फोर्टी वन इंच बने फोर्टी टू इंच बनेगा तो हाइट ऑफ द बैक स्कर्ट तो पेपर ड्राफ्ट के लिए पहले हम फ्रंट पैनल कट करेंगे सिंगल पैनल कट करेंगे तो यहाँ पर मैं जो पेपर ड्राफ्टिंग आपको बताऊँगी वो आपको सेंटीमीटर्स में बताऊँगी मतलब कि इंचेस में जो हम लोगों ने मेजरमेंट्स लिया है उसी तरह तो पेपर को इस तरह से फोल्ड करें यहाँ पे मैं टू पैनल्स क्रिएट करूँगी तो इसलिए मैंने पहले सेंटर पर इसको फोल्ड कर दिया है और एक साइड में एक पैनल कट करेंगे और दूसरे साइड में दूसरा पैनल तो सेंटर पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है अब हमारा हाइट यहाँ पर मार्क करना है जो कि टर्टी इंच है नेक्स्ट हम टॉप पे टॉप से बॉटम तक थर्टी नाइन इंच मार्क किया है अब यहाँ पे टॉप पे हाफ इंचेस आपको मार्किंग देनी है जो कि आपका सिम अलेवेंस होगा जहाँ पर आपको वेस्ट ब्रेथ मार्क करना है 2.5 इंच जो ऑलरेडी मैंने मार्क किया है और उसका फुटेज मिस हो गया है तो 10 इंच के नीचे हम मार्क करेंगे जहाँ पे हिप ब्रेथ लेंगे 3.2 इंच हिप के नीचे हम थाई मेजरमेंट लेंगे 9 इंच के नीचे तो यहाँ से ही वेस्ट ब्रेथ और हिप ब्रेथ ज्वाइन करेंगे और जो हिप ब्रेथ है उतना ही मेजरमेंट हम थाई ब्रेथ ब्रेथ पर लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मदद से उसको जॉइंट करें नेक्स्ट हम कर्व अब इस तरह से हाइट देखें और टेप को अपना ड्रैग करें साइड तक और कर्व बनाएं और इसे जॉइंट कर लें यह हमारा फ्रंट वाला सिंगल पैनल होगा तो यहाँ पे थाई जो मेजरमेंट और हिप मेजरमेंट हम लोगों ने सेम लिया है फ्रंट के लिए आपको हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करनी है और इस तरह ही ब्रेज से शेप दे के आपको जॉइंट करना है और यहाँ से बॉटम की तरफ जॉइंट करना है तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि थाई का मेजरमेंट हम लोग नहीं लेंगे डायरेक्टली हम ड्राफ्टिंग पे ही बताएंगे तो यहाँ पर हाफ इंच सिमलेवेंस मार्क करना है बॉटम तक और इसे काट देना है यह हाफ इंच जो है जॉइनिंग के लिए होगा तो इस तरह से आप जॉइंट करें और नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम तक यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करें क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं रहता है अगर आप फैब्रिक कम लेंगे तो तो कोई बात नहीं अगर हाफ इंच सीमिलास के लिए यूज़ हो गया तो ये सिंगल पैनल बन गया है इस पैनल को इस्तेमाल करके बाकी के दो पैनल्स इस तरह से आपको कट कर देने हैं तो यहाँ पर मैंने थ्री पैनल्स कट कर दिए हैं तो इन थ्री पैनल्स को राइट साइड रख के हम जॉइंट कर लेना है आप फ्रंट पैनल कट कर दिया है बैक पैनल कट करने के लिए इस तरह से आप फोल्ड लेंगे अपने फैब्रिक को और जो फ्रंट पैनल से मार्क करेंगे फ्रंट पैनल इस तरह रख के मार्क कर लेंगे और थ्री इंचेस मोर ज़्यादा लेंगे यह हमारा टोटल हाइट होगा बैक के लिए तो गाइस ये मेजरमेंट्स हैं तो वेज ब्रेथ आफ्टर फोल्ड होगा 7.5 इंच तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच सिम वेंस 10 इंचज डाउन पे मार्क करिए जो हमारा हिप हाइट होगा फिर 10 इंचज डाउन मार्क करेंगे जो हमारा थाई वाला हाइट होगा तो नेक्स्ट हिप ब्रेथ होगा हमारा 9.3 इंच जो हिप पे मार्क करेंगे तो वेस्ट पे 7.5 इंच मार्क किया है हिप पे 9.3 इंच और थाई पे भी सेम मेजरमेंट मार्क करना है अब इसे हम जॉइंट कर लें नेक्स्ट बॉटम पे अपना टेप हाइट देखिए और सारा ड्रैग करके आप इसे शेप दें जो हमारा बॉटम हाइट है तो इसको हम इस तरह से शेप देंगे और इसे जॉइंट कर लें अब हम थाई ब्रेथ पे शेप देंगे तो यहाँ पे वन इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे तो यहाँ पे आप समझ लें कि मैं सेंटीमीटर के हिसाब से आपको समझा रही हूँ लेकिन इंचेस बोल रही हूँ तो यहाँ पे वन सेंटीमीटर अंदर की तरफ मैंने लिया है और इसको शेप देना है और फ्रंट के लिए हम लोगों ने हाफ इंच लिया था बैक के लिए हमें वन इंच और ये साइड सीम्स होगा तो वन इंच सबको सीम अलेवेंस छोड़ना है फ्रंट के लिए हम लोगों ने हाफ इंच छोड़ा था क्योंकि वो जॉइंट होगा तो यहाँ पर साइड सीम्स है तो हाफ सॉरी वन इंच इंच आपको स छोड़ना है और बॉटम तक इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है लेकिन यहाँ पे सेंटर पे भी हम लोग कट देंगे और जहाँ पे सीम एलेवेंस भी लेना होगा और मैं वो एक जो स्टेप है आपको मिस कर दिया है तो ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों ने सीम एलेवेंस छोड़ा नहीं है तो यहाँ पे बैक पैनल पे ट्राइंगुलर पैनल क्रिएट करना है तो फोर टू फाइव इंच मार्क करके इस तरह से आप जॉइंट करें और इसे काट दें अब इसे हाइट के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रायंगुलर पैनल जो कि बहुत ब्रेथ ज़्यादा होगा इस तरह से पैनल कट करके यहाँ पे जॉइंट करेंगे यहाँ पे हम सेंटर पे कटिंग करनी है यहाँ पे मैंने सीम uh, एलेवेंस नहीं छोड़ा है तो पहले मैंने आपको बताया है तो इस तरह से आप सेंटर पर हाफ़ इंच सीम एलेवेंस सेंटर फोल्ड पर हाफ इंच सिम एलेवेंस रखना है उसके बाद आपको मेजरमेंट्स लेनी है लेकिन यहाँ पे नहीं लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइड्स में हम लोगों ने वन इंच सीम एलेवेंस छोड़ा ही है वहाँ पर आप वन एंड हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दें और जब जबकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक होगा तो कोई भी इशू नहीं है लेकिन आप समझ लें कि यहाँ पर सिम एलेवेंस छोड़ना ज़रूरी है तो ट्राइंगलर पैनल क्रिएट करने के लिए जितना भी फैब्रिक आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको इस तरह से फोल्ड दें और इस पैनल को रखें और जितना हाइट चाहिए आपको मार्क कर लें और उसी हाइट के हिसाब से अपने टेप को साइड तक ड्रैग करें जहाँ तक उतना हाइट आपको मिलता है उतना ब्रेथ हम लोग लेंगे ये पैनल क्रिएट करने के लिए तो इसे शेप दें और जॉइंट कर लें और इसे काट दें तो मैंने पेपर ड्राफ्टिंग बताई है गाइस ज़रूर कमेंट करके बताए कि आपको ये आप समझ में आया है या नहीं ज़रूर कमेंट करें आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा है नेक्स्ट जो होगा बॉडीज़ का मेजरमेंट तो मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया है और ब्रेथ और हाइट के हिसाब से इसको कटिंग कर दिया है सबसे पहले हम सेंटर से सेवन इंच शोल्डर मार्क करेंगे जो कि सिक्स पॉइंट फाइव इंच है मेरा हाफ इंच सिम एलेवेंस तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है हाफ इंच डाउनवर्ड लेना है और हाफ इंच डाउनवर्ड पे मार्क करने के बाद नीचे हम आर्म होल सेवन इंचेस मार्क करेंगे मेरा आर्म होल है सेवन इंच तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर चेस्ट ब्रेथ जो कि मेरा नाइन एंड हाफ इंच है और वन इंच इलेवेंस और वेस्ट जो है एट पॉइंट फाइव इंच और वन इंच इसको ज्वाइंट कर लेंगे नेक्स्ट हम आर्म होल ड्रा करने के लिए यहां पे वन इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पे डिवाइड बाय टू करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे आप इनर आर्म होल मार्क करने के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से क्रॉस जॉइंट करके आप कर्व को ड्रा नेक्स्ट नेक ब्रेथ 2.5 इंच और बैक नेक हाइट 3 इंच और फ्रंट नेक हाइट 5.5 टू 6 इंच आप कंसीडर कर सकते हैं तो इस तरह से आप स्क्वायर बनाएं और कफ को ड्रॉ कर लें नेक्स्ट हम शोल्डर ब्रेथ सॉरी शोल्डर स्लोप को जॉइंट करेंगे यह हमारा बॉडीज़ का ड्राफ्टिंग हो गया है ज़रूर कमेंट करें कि कैसा लगा है थैंक्स फॉर वॉचिंग